मैं पिछले 2 सालों से आपकी असिस्टेंट हूँ, तो मैंने सोचा अब बात करने का वक्त आ गया है। आज तक मैं यहाँ फोन्स आंसर करती रही। तुम्हारी उम्र क्या है? मैं कल 30 की हो जाऊंगी। तुम्हारे लिए कुछ तो जरूर बना होगा, पर वो यहाँ नहीं है। क्या हुआ? और थैंक यू इस बेकार कार्ड के लिए। रिचर्ड कहाँ हो तुम? हाय बेबी। हाय। पास आने की हिम्मत मत करना। अभी ये ब्रेक पर है ताकि अपनी माँ के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। कुकिंग क्लास है, स्पेशल स्पेनिश डिशेस बनाना सीखो। मॉम ये तो कपल्स कुकिंग क्लास है। तुम्हारे लिए बुक कर रही हूँ। मैं पूरी तरह सिंगल हूँ, पता है ना? हम दोनों चल सकते हैं। आपने जो कहा उससे ज्यादा दुखी बात हो ही नहीं सकती। आज से तुम्हारा पार्टनर होगा मथियास। खाना बनाना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक होता है। तुम जैसे एक्सप्लेन कर रहे हो उससे मेरा काम काफी रोमांटिक लग रहा है। ओह माय गॉड, दैट इज ओ सो डिलीशियस। कुछ दिन पहले ही आए हो और आते ही एक अमेरिकी लड़की का दिल जीत लिया। पता है मैं इरीना को डेट कर रहा हूँ। हाँ, और वो तुम्हें डेट कर रही है और आधे यूरोप में। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं ऐसे स्कूल में अप्लाई करूँ जो कैलिफोर्निया में ना हो। बस यही चाहती हूँ कि तुम अपने पंख फैलाओ और आसमान में उड़ जाओ। पता नहीं अब मैं रिचर्ड से क्या कहूँगी। तुम्हें कभी बर्थडे प्रेजेंट नहीं दिया। उसे लगता है तुम उसे माफ कर दो। और मथियास का क्या? वो तो 10 दिन में स्पेन लौट जाएगा। तुम ट्रू लव नहीं ढूंढ रही हो? तुम्हें अपनी पिछली गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। जिंदगी में सिर्फ चलते चले जाना काफी नहीं है, तूफानों में भी कूदना पड़ता है। कभी कभी अच्छी शुरुआत होना ही सबसे जरूरी होता है।